हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अंकुश और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। गाइस, इस YouTube चैनल को बनाने के पीछे अपना सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि हम एनिमेस को ज्यादा से ज्यादा इंडिया में फैलाना चाहते हैं, क्योंकि गाइस कहते हैं ना, ग्रेटनेस कैन नेवर बी कंटेन्ड। सो गाइस, रिसेंटली हमारे 500 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और गाइस इसी के लिए आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ऐसे ही गाइस हमें आगे सपोर्ट करते रहा करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकेंगे। तो गाइस, इसी 500 सब्सक्राइबर की खुशी में आज मैं हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम अपनी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज ताज़ा करेंगे। सो गाइस, इसी वीडियो में मेरा साथ देने के लिए आए हैं हमारे ग्रुप के टेक्निकल गुरुजी। सो टेक्निकल गुरुजी, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे कि मैं ही दूं? अरे यार कुछ भाई, रुक जा, इतने फ्लो में क्यों है, बता रहा हूँ। तो गाइस, मेरा नाम है दलजीत, तो जैसे कि अंकुश ने कहा, आज हम अपने बचपन की कुछ ज़्यादा ताज़ा करने वाले हैं। इनमें से कुछ कार्टून शायद आपने देखे होंगे या फिर कहीं ना कहीं धुंधली जाते तो पक्का होंगे। तो अंकुश, वीडियो शुरू की जाए? तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस शो के बारे में आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है टेलस्पिन। तो गाइस, इस शो ने भी मेरे चाइल्डहुड को ऑसम बनाने में बहुत हेल्प की थी। गाइस, मुझे अभी भी याद है, उस वक्त लोगों के घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे मैक्सिमम, और कलर बहुत ही कम लोगों के घर में हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त कलर टीवी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो मेरे घर में भी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था और मैं ये उस पर ही देखा करता था। ये शो संडे के संडे डीडी नेशनल पर आया करता था, एंड guys, I really loved that show, yaar. Come on! Oh, look at it! तो फ्रेंड्स, जिस नेक्स्ट शो के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है टिमोन एंड पुम्बा। गाइस, इस शो ने भी मेरे चाइल्डहुड को बहुत ऑसम बनाया था। ये शो डिज्नी पर आता था और ये शो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, खासकर इसकी एक लाइन जो इंट्रो में आती थी, हकूना मटाटा, यानी कि कोई चिंता नहीं। ये लाइन मुझे बहुत पसंद थी, हकूना मटाटा यानी कोई चिंता नहीं, हकूना मटाटा मिल कर लूटे मजे, दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और हमारे शो के बारे में जिसने हमारे चाइल्डहुड को बहुत ऑसम बनाया था। एंड आई एम डैम श्योर गाइस, इसे या तो आप भूल चुके होंगे या तो आप इसका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, और ये शो हिंदी में आया करता था और ये शो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। ये शो तब आता है जब पोगो नया नया इंडिया में लॉन्च हुआ था, और इस शो का नाम है पोस्टमैन पैट। इससे जुड़ी हुई कई यादें हैं मेरी, तो खासकर इसका इंट्रो सॉन्ग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसे मैं अभी भी गुनगुनाता हूँ। Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the post bags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने ये इंट्रो सॉन्ग भी एंजॉय किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बट वेट अ सेकंड गाइस, दिलजीत कहाँ गया? दिलजीत कहाँ हो यार? दिलजीत जल्दी आओ यार, वीडियो बना रहे हैं हम लोग, हमारे दोस्तों को पता तो चले तुम्हारे भी कुछ ऐसे शोज होंगे जिसको तुम अभी भी मिस करते हो। अंकुश भाई, मैं आ गया, सॉरी यार, थोड़ा टाइम लग गया, मैं टीवी फेंकने गया था। आजकल वैसे भी इस खटारा में कुछ आता नहीं है, कहाँ हमारे ज़माने में इतने बेहतरीन बेहतरीन शो आते थे हर आधे घंटे में।
सो गाइस टॉपिक पर वापस आया जाए, मैं भी कुछ आपके साथ अपने फेवरेट शो शेयर करना चाहता हूँ, उनमें से एक है ड्रैगन टेल्स। तो गाइस ये शो आता था आज से 10 साल पहले, वो भी कार्टून नेटवर्क पर। मुझे आज भी याद है, सुबह के 6 या 7 के बीच में आता था, मैं स्कूल जाने से पहले इसको पक्का देखता था। इसके चक्कर में कई कई बार तो मैंने स्कूल की बस भी मिस की है, फिर भी वो क्या दिन थे, मज़ा आ जाता था ड्रैगन के साथ उनकी दुनिया में खो जाना। और इसका मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता था, मैं चाहूँ मैं दिल से ये चाहूँ ड्रैगन के साथ उड़कर दूर देश चला जाऊँ। मिला एक ड्रैगन स्केल, वो शुरू हो गया ड्रैगन टेल, चारों ओर ड्रैगन आ गए, इन और मैक्स को छा गए, स्क्रीन पर बैठ के ड्रैगन के आएगा मजा, अब देखो खेल, ड्रैगन टेल ड्रैगन टेल, आओ चलो हम सुने ड्रैगन टेल, आओ मेरे साथ तुम लाओ हाथ, चलो चले मिलके ड्रैगन। तो जो हमारा अगला शो है उसका नाम है हैरी एंड द बकेट फुल ऑफ डायनासोर। ये शो पोगो पे आता था, मैं इसको भी काफ़ी इन्जॉय करता था। ये कहानी बच्चे की थी जिसके पास एक बकेट रहती थी, उसके अंदर छोटे छोटे डायनासोर रहते थे, वो जब भी उस बकेट के अंदर जाता था उसका एक ड्रीम वर्ल्ड बन जाता था, और मैं सोचता था काश मेरे पास भी ऐसी बकेट हो। और जो हमारा आखिरी शो है उसका नाम है ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, इसमें जो मोरल दिया जाता था हेल्पिंग नेचर, काइंडनेस और फ्रेंडशिप को लेकर, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। आजकल के बच्चों को भी ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए ताकि उनको इससे कुछ सीख मिले। तो गाइस ये थी हमारी कुछ बचपन की यादें, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ अगर हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अंकुश वीडियो को खत्म किया जाए। हाँ दीजिए, तुमने सही कहा, अब वक्त है इस वीडियो को क्लोज करने का। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसे देखकर अपना बचपन जरूर याद आया होगा। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियो दोबारा लाएं तो हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं और अपने कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो अंटिल देन गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर। ये तो है किपर, किपर नाम का जॉगी जो पहने स्लिपर, हाँ किपर, किपर नाम का जॉगी।